नमस्कार, आज तक एआई में आप सभी का स्वागत है। बिहार में अब कला, संस्कृति और युवा विभाग से अलग खेल विभाग भी होगा। बिहार मंत्रिमंडल की सोमवार को हुई बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उन्होंने बताया कि कला, संस्कृति और युवा विभाग से अलग खेल विभाग के गठन की स्वीकृति दी गई। खिलाड़ियों को लेकर अहम फैसला। इस फैसले से खिलाड़ियों के खेलकूद के विकास और उनके लिए कल्याणकारी काम खेल विभाग की ओर से किए जाएंगे। इसमें कला संस्कृति विभाग के अधीन कार्यरत बिहार राज्य खेल प्राधिकरण भी शामिल होगा तथा तमाम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का विकास होगा। इसके अलावा आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के मानदेय में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। आंगनबाड़ी सेविका को अब 7,000, सहायिका को 4,000 रुपए। प्रदेश में अब आंगनबाड़ी सेविका को 7,000 और सहायिका को 4,000 रुपए मिलेंगे। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है। अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि गांव के मुखिया को अब 5,000 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। ये पहले 2,500 रुपए था। उप मुखिया का मानदेय 1,200 से बढ़ाकर 2,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। मुखिया, उप मुखिया, वार्ड सदस्यों का भी मानदेय बढ़ा। नीतीश सरकार के इस फैसले मुखिया से उप मुखिया के साथ साथ वार्ड सदस्यों को भी फायदा मिलेगा। वार्ड सदस्य का मानदेय 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 800 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। सरपंच का मानदेय 2,500 रुपए से बढ़ाकर 5,000 रुपए प्रतिमाह, उप सरपंच का मानदेय 1,200 रुपए से बढ़ाकर 2,500 रुपए और पंच का मानदेय 500 रुपए से 800 रुपए किया गया है। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।